यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यह बोलते हैं कि मैंने तो रिक्वेस्ट डाल दी है लेकिन पेटीएम का एजेंट आ ही नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो हम लोग लाइव उससे बात करेंगे और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इतना डिले क्यों होता है, इतना लेट क्यों होता है, अपन उससे खुद पूछेंगे और वो खुद बताएगा हम लोग को। मैं नहीं बोलूंगा, वो खुद बोलेगा। तो इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मोटिव ज्यादा रहता है कि आपको एक्सपीरियंस और लॉजिकल बातें किया जाए, ऐसा नहीं कि यार कुछ भी बोले। वो कहावत है ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। ये बात तुम्हें आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो यार पेटीएम डीएक्टिवेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, पर उनके तरफ से कोई एजेंट नहीं आता है। मैंने सोचा यार आपको वहाँ पे रिप्लाई दूँ, मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इसी को अपन लाइव वीडियो बनाएंगे और दिखाएं कि हाँ यार कितने दिन में मेरे पास आए। तो मेरे साथ एजेंट आए हुए हैं, तो कब मैंने रिक्वेस्ट रेज किया और वे मेरे पास कब आए। हालांकि मैं डीएक्टिवेट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो जो उनके एजेंट है आए, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कुछ चीजें जो हमें एक्सपीरियंस मिले। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, क्योंकि मारो यार क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मार दो है। तो आओ सर एक बार। तो ये है पेटीएम के एजेंट भाई साहब। तो क्या नाम है सर आपका, एक बार नाम बता दीजिए। मुकेश। मुकेश नाम है इनका। तो आप एक बात बताओ सर, आपके पास मेरी रिक्वेस्ट कब आई थी? मेरे को 7 तारीख को। 7 सितंबर। हाँ अच्छा, 7 सितंबर। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट जो रेज करा था वो 29 अगस्त को किया था। तो खैर इनकी गलती नहीं है, इनके पास वो रिक्वेस्ट आया ही नहीं था, इसमें पेटीएम की गलती है जो कि मतलब इनके पास नहीं भेजा। तो एक चीज़ बताओ सर कि जो लेट हुआ और टेक्निकल इशू या कुछ भी हो सकता है आगे से, या कोई दूसरे पिन कोड में इनकी कंप्लेंट चली गई हो, इस वजह से देरी हो सकती है। अच्छा, और अन्यथा 1 घंटे के अंदर सर्विस मिलती है भाई साहब। लेकिन सर एक बात बताओ, बहुत सारे वैसे हमारे व्यूवर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास महीने 1.5 महीने बाद फिर भी नहीं आते, इसके पीछे क्या बोल सकते हैं आप? ऐसा पहले बात तो सर मेरे को काम करते हुए 6 से 7 महीने हो गए, ऐसा मेरे साथ अभी तक कभी नहीं हुआ। 30-20 बार पिन कोड में काम करता हूँ, जो भी टिकट आती हैं वो सेम डे क्लोज होती हैं। 1-8 टिकट कभी कभार क्या कि आउटर की होती हैं, वो रह भी जाती हैं। लेकिन जैसे 30-20 बार पिन कोड दे रखा है और आपका एड्रेस है कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर, उस कंडीशन में 1 से 2 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि वहाँ की एक लीड के लिए बंदा जाना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, उसके बाद चला जाता, 2-3 लीड आ जाएँ तो वो तुरंत सभी को एक साथ करने के लिए निकल जाता है, उसमें क्या है कि 1-2 दिन डिले हो सकता है लेकिन जाएगा ज़रूर। और डीएक्टिवेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, उनके जो एजेंट होते हैं उनका जो खुद का एप्लीकेशन होता है उसमें कुछ अपना डालते हैं, जो भी उनका फॉर्मेलिटी से पूरा करते हैं और आपके साउंड बॉक्स को ले जाते हैं। क्लिप में आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो इनके पेटीएम के एजेंट आए हुए हैं और मेरा ये साउंड बॉक्स है, ये डीएक्टिवेशन का प्रोसेस करें मतलब। लेकिन मेरे को पेटीएम के बारे में जो बेसिक पॉइंट, जो भाई बिजनेस लोन मिलता है, रेंटल फ्री है, ऑफर जो मिल रहे हैं उनका बेनिफिट बनाने बताने के बाद मर्चेंट खुश हुआ और उसने पेटीएम बॉक्स यूज करना चालू रखा। अच्छा, मतलब ये कारण डालोगे आपके भाई डीएक्टिवेट नहीं करा रहा इसका। हाँ। है ना, ठीक है सर। लेकिन सर हमारे सब्सक्राइबर्स ये बोलते हैं, व्यूवर्स जो होते हैं बोलते हैं कोई आता ही नहीं, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कुछ आइडिया? तो देखो जो नजदीकी क्षेत्र में होता है ना, जो दायरा है, पिन कोड है, कभी कभार क्या होता है कि जो टिकट ट्रेस होती है वो गलत पिन कोड में चली जाती है। जैसे मैं काम करता हूँ 30-20 बार में, और वो टिकट होती है आउटर की बाहर की, और वो मेरे पास आ जाती है। अच्छा। उस टाइम थोड़ी सी। हाँ समझ गया। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही नॉलेज में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक